ने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता, आराम मिलता, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े, करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावला कोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का, उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको यूएपीए लगाया जाता है। अभी कोई सांस लेता ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था, आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं।